जय हिंद वंदे मातरम साथियों, दुखद खबर राजस्थान के जैसलमेर जिले से प्राप्त हो रहे हैं। राजस्थान जैसलमेर के रहने वाले भारतीय सेना के सूबेदार गुमान सिंह सोलंकी देश रक्षार्थ वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना में जेसीओ के पद पर तैनात शहीद सूबेदार गुमान सिंह ने सिक्किम में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। जैसा कि आपको विदित है, सेना का वाहन एक तीखे मोड़ से खाई में गिर गया। उसमें माँ भारती की 16 जांबाज सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन्हीं में शामिल राजस्थान के जैसलमेर जिले के जोगा गांव निवासी सूबेदार गुमान सिंह सोलंकी भी देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है। कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, एक बूंद तक ना बचाई इस तन के वास्ते। यूं तो मरते हैं लाखों लोग हर रोज, लेकिन मरना तो वह है जो जान जाए वतन के वास्ते। और खुश नसीब होते हैं वह लोग जिनको तिरंगा कफन में नसीब होता है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। कल सिक्किम में एक सेना का वाहन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था, उसी दरमियान एक तीखे मोड़ का शिकार हो गया और सेना का वाहन एक गहरी खाई में जा गिरा। उसमें 16 जवानों की दुखद मौत हो गई थी। उन्हीं में राजस्थान के जैसलमेर जिले के जोगा गांव निवासी जेसीओ सूबेदार गुमान सिंह सोलंकी शामिल थे। शहादत की सूचना के बाद से घर में परिजनों का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। वे 5 दिन पहले ही ड्यूटी पे गए थे और 10 माह बाद तो रिटायर्ड होके आने वाले थे, लेकिन परिजनों को क्या पता कि वे तिरंगे में लिपट कर सीधा गांव आ जाएंगे। वहीं क्षेत्र में गर्व का माहौल भी है कि हमारे क्षेत्र के लाल ने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है और देश के प्रति अपना समर्पण किया है। उसके लिए ये क्षेत्र जिसके लिए जाना जाता है, उसी मिट्टी के लाल ने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है। आज इनका पार्थिव शरीर जिला मुख्यालय हवाई मार्ग से भेजा जाएगा। तत्पश्चात सड़क मार्ग से होते हुए सेना के विशेष वाहन में इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां शहीद परिजनों को अंतिम दर्शन करवाए जाएंगे। तत्पश्चात उनके पार्थिव को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। इस दुखद घड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है।